राम राम दोस्तों, ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ घंटे के आइकन को भी खड़का दे, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जो लोग पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10th 12th रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि सब लोग 15 अप्रैल को बता रहे थे कि पंजाब बोर्ड का 10th 12th रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो सब वीडियोज़ फेक थी। लेकिन आज जो मैं आपके पास न्यूज़ लेकर के आया हूँ, वो एक पुख्ता न्यूज़ है। जागरण जोश वेबसाइट के मुताबिक, जो कि दैनिक जागरण का ही पोर्टल है, इसके मुताबिक पंजाब बोर्ड का रिजल्ट 10वीं और 12वीं का 28 अप्रैल को रिलीज होगा। ये 15 अप्रैल के बाद आई हुई डेट है, ये भी एक एक्सपेक्टेड डेट है। तो अब आप वेट कर सकते हो 28 अप्रैल तक कि 28 अप्रैल को पंजाब बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट अनाउंस होता है या नहीं। वैसे 28 अप्रैल को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा क्योंकि इस बार सभी बोर्ड जल्दी कर रहे हैं। इस वर्ष पंजाब बोर्ड में 28 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक एग्ज़ाम चले थे। उनके बाद कुछ लोग झूठी खबरें फैलाने लगे कि पंजाब बोर्ड का रिजल्ट 15 अप्रैल को आ जाएगा, जो कि सच नहीं है। सच ये है कि रिजल्ट अप्रैल के यानी कि 28 या 29 में आ जाएगा। वैसे तो 28 अप्रैल को ही आ जाएगा। आगे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना होगा psb.ac.in वेबसाइट पर, जो कि पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया हुआ है। अगर आपको पंजाब बोर्ड में 10वीं और 12वीं से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप हेल्पलाइन में दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी पूरी जानकारी ले सकते हो। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको रिजल्ट टैब पर जाना होगा। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जानकारी दी गई हुई है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन रिजल्ट मार्च 2018, जो कि पहले मार्च में रिलीज होने वाला था। लेकिन अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है तो यहीं पर जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, एक न्यू लिंक आ जाएगा, एक 10वीं का और एक 12वीं का। जो लोग 10वीं का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं वो 10वीं के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और जो 12वीं का वो 12वीं के। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ये ऑप्शन सेम आएंगे। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना होगा, उसके बाद नाम, फिर मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी। उसके बाद आपको भरना होगा एक कोड, जो कि सबकी बारी में अलग अलग आएगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिसका नाम ज्ञानदेव होस्ट है। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ।